इस वीडियो में आपको जीवामृत बनाने की विधि के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले जो 200 लीटर का ड्रम होता है उसमें पानी भर ले, कम से कम 190 लीटर तक। उसमें 10 किलो गोबर, देसी गाय का गोबर ऐड करना है। उसके बाद 5 से 10 लीटर गौमूत्र और 1 किलो किसी भी दाल का आटा। उसके बाद 1 किलो गुड़ और उसके बाद एक मुट्ठी भर जंगल की मिट्टी इसमें मिला लें। इस वीडियो में इसके बारे में आपको बताया गया है और ये इस तरह से मिट्टी हमने लाई है, इसे इसमें मिलाया जा रहा है। सबसे पहले मिट्टी, उसके बाद जो गोबर आप लाते हैं वो ताज़ा होना चाहिए। जितना ताज़ा गोबर होगा वो इसके लिए सबसे बेहतर है और जितना पुराना गौमूत्र होगा वो सबसे बढ़िया है। गोबर को अच्छी तरह से पहले मिला लें जिससे कि ये अच्छी तरह से घुल जाए पानी में। गोबर देसी गाय का सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें जीवाणु की मात्रा अधिक होती है देसी गाय के गोबर और गौमूत्र में। उसके बाद आप ये दाल का आटा, जो किसी भी दाल का आटा हो, उसको डाल दें। बीच बीच में इसको हिलाते भी रहें ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए। आप इसमें ऐड कर दीजिए इन सब चीज़ों को, 5 चीज़ें इसमें ऐड होना ज़रूरी है। मात्रा ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो मिट्टी हमने डाली है उसी के अंदर जो जीवाणु थे वही इसमें मल्टीप्लाई हुए, तो इन सब चीज़ों से वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सुबह शाम इसे हिलाते रहें, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में आप हिला सकते हैं। 5 से 7 दिनों में ये बनकर तैयार हो जाएगा, फिर आप इसे खेत में यूज़ कर सकते हैं या किसी भी पेड़ पौधों में। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।